शैलेश तिवारी जी, एक बातचीत आपसे, ये कितना बड़ा हिंदू आस्था पर प्रहार है, श्रद्धा से कितना बड़ा खिलवाड़ है। लड्डू जिसे हम अपार श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश्वर के सामने अर्पित करते हैं, उस लड्डू में फिश ऑयल की बात, उस लड्डू में सुअर के चर्बी के इस्तेमाल की बात सामने आ गई। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीटीडी का जो चेयरमैन व्यक्ति बनाया गया था वाईएसआर रेड्डी के द्वारा, जगनमोहन रेड्डी के द्वारा, वह व्यक्ति क्रिश्चियन था। प्रश्न यह उठता है कि मंदिर में चेयरमैन क्रिश्चियन क्यों है, मंदिर में मुसलमान और क्रिश्चियन क्यों बनाया जाता है? यही से जो है षड्यंत्र दिखाई देता है, और जगनमोहन रेड्डी के षड्यंत्र से ही यह घटना घटा है। चेयरमैन जो है वह क्रिश्चियन है, और उसके साथ साथ जिस संस्था को दिया गया घी, 10,000 लीटर प्रतिदिन घी का खपत है, उस कंपनी का मालिक भी जो है वह क्रिश्चियन है, और इसके कारण यह पूरी तरह से सनातन धर्म के ऊपर षड्यंत्र है, और यह अपराध क्षम्य नहीं अक्षम्य अपराध है, और इसमें सभी को फांसी होना चाहिए, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हो, उस मंदिर के चेयरमैन हो, अथवा घी बनाने वाले कंपनी के मालिक हो, सबको फांसी होना चाहिए। और फांसी भी छोटी सजा है, जिस तरह की घटना 100 करोड़ से ज्यादा हमारे सनातनियों को यह प्रसाद खिलाया गया, बीफ और सुअर की चर्बी और मछली, इन सबको पूरी तरह से धर्म को नष्ट किया गया है। यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, यह सनातन धर्म को तबाह करने का पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। 1 लाख लड्डू जो है वह राम मंदिर उद्घाटन पर आया था, जिस लड्डू का उपभोग पूरे भारत के एक एक संत लोग किए थे, सबको इस तरह से मैं आगे बढ़ता हूं श्वेता, एक रिएक्शन में और चाहता हूं आ जाए, उसके बाद आप इस शो को आगे बढ़ाइए, और वो रिएक्शन कोंडा राजीव गांधी जी का। और सर मेरा सवाल सीधे से है कि आप लोग जिम्मेदारी लेंगे या पीछे से भागेंगे, या फिर दोषारोपण होगा, या फिर टोपी इधर से उधर ट्रांसफर होगी, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। ट्रस्ट आप लोगों के समय में बहुत सारे एलिगेशन से मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जहां पर 1 लाख लोग डेली पहुंच रहे हैं, जहां पर प्रसाद हिंदुस्तान और विश्व के कोने कोने में कुरियर तक किया जा रहा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जहां से लड्डू पहुंचे, वहां पर इस तरीके की मिलावट की बात, सर क्या आप लोगों का इस पर रिएक्शन है? क्या आप लोग इसमें कुछ जिम्मेदारी आप लोग अपनी मानते हैं कि नहीं मानते? साहब, मानते और नहीं मानते का मैटर नहीं है, अभी हम लोगों को सच बात बताना चाहिए, क्योंकि हर देश में ये हिंदू सोसाइटी है ना, इस सभी लोगों को बहुत आंदोलन है कि ये प्रसाद गलती हो जाइए, ये प्रसाद है तो कैसा हम लोग सोचते हैं, ये प्रसाद नहीं है, प्रसाद है तो क्या है, ये भगवान का आशीर्वाद का रूप है, ये तिरुमला तिरुपति लड्डू वो प्रसाद है ना, वो भगवान का आशीर्वाद का रूप है। मैं एक बात बताना चाहता है कि ये की कोई है ना, वो गलती होते होकर कोई है तो टेस्ट करके वो इसमें गलती है तो रिजल्ट आते, बट मेरा बात क्या है कि ये कोई चीज है, ये प्रसाद तैयार करने के लिए कोई चीज तिरुमला आते तो इसको 3 दफा का टेस्ट करते, वो टेस्ट को पास होने के बाद ये किचन को साथ है, ये कोई चीज है, वो प्रसाद को यूज करने के लिए घी वो टेस्ट फेल हो चुका है, इसलिए उनका टैंकर रिजेक्ट कर दिया। इसी तरफ रिजेक्ट करने वाला टैंकर अभी एक बात नहीं है, और पूर्व हमारा गवर्नमेंट और पूर्व से पूर्व गवर्नमेंट भी 40-50 times इतना टैंकर रिजेक्ट हो गया, क्योंकि टेंडर देते हैं को उसको परमिशन नहीं है ना, सभा गलती का माल लेकर तिरुमला में डालने के लिए परमिशन नहीं है टेंडर देने के बाद में। अरे आपकी सारी कवायद का क्या मतलब निकला कोंडा राजीव गांधी, आपकी इन सारी कवायद का क्या मतलब निकला? भ्रमित करने का काम मत कीजिए, आप देश को भ्रमित कर रहे हैं, हिंदुओं की आस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया है, अक्षम्य अपराध है, और ऐसे जो भी संलिप्त है सबको फांसी होना चाहिए, जेल कारागार से कुछ नहीं होगा, पैसा देकर सब छूट जाएंगे, सबको फांसी होना चाहिए। कोंडा जी अपनी बात पूरी करें, फिर प्रेम जी से जवाब लेते हैं। हाँ। कोंडा जी अपनी बात पूरी करें। मैं क्या बात करता है कि ये बहुत सेंसिबल इश्यू है, ठीक है, प्रसाद में कोई गलत नहीं है, वो घी में है, जो लैब टेस्ट की रिपोर्ट आई है, जो लैब टेस्ट की रिपोर्ट आई है वो गलत है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सुअर की चर्बी मिली है प्रसाद में। मेरा बात भी सुनो जी, हाँ बोलिए, सुनो जी, वो आप इतना वाला है, मैं एक ही बात है, मेरे को एक ही कंठ है, आप 6 और 5 पर्सन है ना, थोड़ा मेरे को समय भी दीजिए, मैं कृपा करता हूँ आपको, क्या की
ये घी कोई है ना, कब टेस्ट कर दिया, कौन टेस्ट कर दिया, कब सैंपल ले लिया, कब रिजल्ट आया, कब मीडिया को पब्लिश हुआ, ये पूरा पूरी हमारे पास रिपोर्ट है, आपको दिखा दे रहे हैं कहां टेस्ट हुआ, वो हम लगातार अभी आपने दिखाया भी था। उनका रेस्पॉन्सिबल कौन है, चंद्रबाबू नायडू बताना चाहिए। ठीक है प्रेम जैन, आप जवाब दें। और ये देखिए लैब रिपोर्ट की कॉपी भी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, अगर आप देख रहे हो आपके सामने टीवी हो, देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कहां पर क्या मिला है, एक एक बात सामने लिखी हुई है, जिसमें लार्ड यानी सुअर की चर्बी, इसके अलावा टैलो बीफ चर्बी और साथ ही फिश ऑयल की बात साफ साफ लिखी हुई है। बोलिए प्रेम कुमार जैन, जो इनके सवाल है। महाराज की जय, और आपके प्रोग्राम में जितने साधु संत हैं सबको मेरा नमन। ये घटना कोई छोटी घटना नहीं है, ऐसी घटना नहीं है जिसको भूल या किसी और चीज का संज्ञान दिया जा सकता हो। ये घटना एक हिंदुओं की आस्था का आस्था के ऊपर चोट है, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर जिसके अंदर पूरे विश्व से प्रतिदिन 70 से 80 हजार श्रद्धालु आके दर्शन करते हैं और अपने घर बड़े श्रद्धा और चाव और विश्वास से लड्डू लेके जाते हैं, उस लड्डुओं में इस प्रकार की चर्बी निकलना, इस प्रकार के गलत चीजों का प्रयोग करना, सुअर की चर्बी, फिश ऑयल, और ये रिपोर्ट मेरे पास है, मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूं दर्शकों के लिए, ये रिपोर्ट मेरे पास है जिसके अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है। नहीं नहीं प्रेम जी मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ सर आपको, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको, ये रिपोर्ट में क्या है नहीं है वो सारी बातें हमने बता दी है। कोंडा राजीव गांधी कह रहे हैं बहुत सारी बातें आप लोग छिपा रहे हैं, उनकी बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं साधु संतों के पास जाऊंगा। देखिए इनके पास कोई चारा नहीं है, ये विश्व स्तरीय लैब है जिसके अंदर रिपोर्ट आई है, और माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने इसको खुलासा किया है। मैं इनको बोलता हूँ कि जो इन्होंने किया पहले, ये जो है कर्नाटक डेयरी से जो घी आता था इसको रोक के एक सस्ती डेयरी से इन्होंने 320 रुपए किलो में देसी घी खरीदा। क्या कोई हिंदुस्तान का पब्लिक बता सकता है कि 320 रुपए में गाय का शुद्ध देसी घी मिलेगा? ये साफ इनकी जो मानसिकता है वो बताती है, ये पैसा खाने के लिए और हिंदू श्रद्धा के ऊपर 3.5 लाख लड्डू रोजाना राकेश बनते हैं, और जरा सोचिए। ठीक है कोंडा, कोंडा जी मैं कोशिश ये करना चाह रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हम ये देखना चाहते हैं कि क्योंकि जैसे ये खुलासा हुआ है उसके बाद हमारे जो साधु संत है क्या उनके मन में भी अब इन लड्डुओं को लेकर कोई सवाल है? तो अगर मैं आपसे कहूँ उमेश पुरी जी की इस लड्डू को आप खाएं तो क्या आप खाएंगे या फिर आपके मन में कोई सवाल आएगा? निश्चित तौर पर अब मन में प्रश्न तो खड़ा होगा, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद कोई भी प्रसाद देगा तो मन में विचार आएगा कि शुद्ध है या अशुद्ध है। और मुझको लगता है कि यह है हिंदू समाज के साथ एक बहुत बड़ा आघात किया गया है जो अक्षम्य है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। एक महीने पूर्व की घटना है कि मेरे पास तिरुपति बालाजी का प्रसाद आया, मैंने ग्रहण किया और बहुत सारे लोगों को मैंने दिया, लेकिन इस घटना के बाद ऐसा लगता है कि भाई पैरों तले जमीन हमारी खिसक गई कि इतने बड़े मंदिर में किस प्रकार का प्रपंच कर। देखिए बात हिंदू आघात तो हुआ ही हुआ, हमारी श्रद्धा रास्ता पर आघात तो हुआ ही हुआ, लेकिन प्रश्न ये है किस मानसिकता से वो षड्यंत्रकारी शक्तियां, विरुद्धकारी शक्तियां, उनकी योजना क्या थी, वो करना क्या चाह रहे थे, वो चिंता की बात है। वो लोग कौन बैठे थे? और जगनमोहन रेड्डी के शासनकाल के अंदर भाई मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, उस शासन का मुख्यमंत्री जिम्मेदार होगा। जगनमोहन रेड्डी के शासनकाल में जो वहां के बोर्ड का अध्यक्ष बना था वो क्रिश्चियन था, एक हिंदू धर्म स्थल पर क्रिश्चियन अधिकारी क्यों आया, किस योजना से आया? सरकार की जांच में यह खुलासा हुआ और मुझको लगता है कि दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, अक्षम्य है, क्षमा करने योग्य नहीं। स्वामी अमानगिरी, कोंडा राजीव गांधी की बातें आपको समझ में आई? मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आई। हिंदू धर्म का विरोधी जगनमोहन रेड्डी जिस तरीके से सरकार चला रहा था, जिस तरीके से मंदिर तोड़